कंगना रनौत लगातार बॉलीवुड पर हमले करते आईं और उन्होंने कुछ समय पहले दावा किया था कि यहाँ 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। इस पर कई स्टार्स ने रिएक्शन दिया, जिसमें अपने बेबाक अंदाज के लिए मानी जाने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी शामिल। सभी जानते हैं कि कंगना और स्वरा आए दिन एक दूसरे से पंगा लेती ही रहती। वहीं आज हम आपको दोनों की नेटवर्थ के बारे में बताते हैं कि आखिर कौन सी एक्ट्रेस है सबसे ज्यादा अमीर। देखिए इस रिपोर्ट में। अकॉर्डिंग टू फिल्म्स, स्वरा भास्कर माधोलाल की वॉकिंग ड्रामा फिल्म में पहली बार नजर आई, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली थी 2011 में आई फिल्म तनु वेड्स मनु से। उनके एक्टिंग को सभी ने काफी अप्रिशिएट किया, जिस वजह से उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद स्वरा 2013 में फिल्म रांझना में नजर आई थी। इस फिल्म में उन्होंने कमाल का काम किया। इसके अलावा स्वरा ने प्रेम रतन धन पायो, नील बटे सन्नाटा, अनारकली ऑफ आरा, वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं स्वरा ने फिल्मों के अलावा टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया। वो सबसे पहले 2014 में संविधान में एज अ प्रेजेंटर नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने 2015 से लेकर 2017 तक रंगोली शो को होस्ट किया। इसके अलावा वो कई वेब सीरीज में भी नजर आ चुके, जिनमें इट्स नॉट दैट सिंपल, रस भरी शामिल है। बता दें स्वरा पर फिल्म 1 करोड़ रुपए चार्ज करती। कंगना रनौत, बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म गैंगस्टर से। इसके बाद उन्होंने वो लम्हे, फैशन, राज, द मिस्ट्री कंटिन्यूज, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, क्वीन, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। इतना ही नहीं, कंगना को सबसे ज्यादा प्यार आनंद एल राय की फिल्म तनु वेड्स मनु से मिला। लोगों को कंगना की इस फिल्म में एक्टिंग इतनी अच्छी लगी थी कि इसका दूसरा पार्ट तनु वेड्स मनु रिटर्न्स भी सुपरहिट साबित हुई थी। वही 2020 की अगर बात की जाए तो कंगना ने अश्विनी अय्यर तिवारी की फिल्म पंगा में भी काम किया था। इस फिल्म में वो एक कबड्डी प्लेयर के रोल में नजर आई थी। आपको बता दें कंगना एक फिल्म का लगभग 11 करोड़ रुपए चार्ज करती। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज, स्वरा भास्कर का मुंबई में यारी रोड में अपना खुद का घर है, जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहती, जिसकी कीमत करोड़ों में। स्वरा की बाकी की प्रॉपर्टीज की डिटेल्स कुछ खास नहीं मिल पाई। कंगना रनौत, कंगना के पास मुंबई में एक लग्जरी घर है, जिसे उन्होंने 2015 में खरीदा था। इस घर की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए बताई जाती, जिसमें 5 बेडरूम। कंगना कई प्रॉपर्टीज की मालकिन। उनका पाली हिल में 3-स्टोरी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत 20 करोड़ बताई जाती। ये प्रॉपर्टी उन्होंने अपने ऑफिस प्रोडक्शन हाउस के लिए लिया था, जिसे हाल ही में डिमोलिश किया गया। इसके अलावा हिमाचल के मनाली में कंगना ने आलिशान प्रॉपर्टी खरीदी, जिसकी कीमत 30 करोड़ बताई जाती। कंगना के इस घर में 8 बेडरूम्स हैं। इतना ही नहीं, कंगना के पास ऑर्गेनिक फार्म भी है। अकॉर्डिंग टू एंडोर्समेंट्स, स्वरा भास्कर। एक एक्ट्रेस होने से पहले स्वरा एक मॉडल रह चुकी। उन्होंने कई एड्स की है, जिनमें आयोडेक्स, स्प्राइट, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल, तनिष्क ज्वेलरी, टाटा स्काई, टाटा टी जैसे ब्रांड्स शामिल। वहीं कंगना ने बोरो प्लस, टीवीएस, तनिष्क, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म, लीवा, आस्क मी, मिंत्रा के एड्स को एंडोर्स किया। कंगना एक एड के करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करती। अकॉर्डिंग टू कार्स कलेक्शन, स्वरा भास्कर। स्वरा के पास BMW X1, SUV जैसी महंगी गाड़ियां हैं, जिनकी कीमत लाखों में। कंगना रनौत, कंगना के पास BMW 7, मर्सिडीज बेंज GLE, SUV जैसी करोड़ों की गाड़ियां। BMW 7 सीरीज की कीमत 1.35 करोड़ रुपए और मर्सिडीज बेंज GLE, SUV की कीमत 73 लाख रुपए से भारत में शुरू होती। अकॉर्डिंग टू नेटवर्थ, स्वरा भास्कर की नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो स्वरा $5 मिलियन की मालकिन, यानी कि 36 करोड़ रुपए। कंगना रनौत, ये खूबसूरत एक्ट्रेस 3 मिलियन नेटवर्थ यानी 83 करोड़ रुपए की मालकिन है। तो साफ साफ देखा जा सकता है कि कंगना स्वरा भास्कर से ज्यादा अमीर। वैसे आपको बता दें, ये जानकारी जो हमने आपको दी है वो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के आधार पर आप तक पहुंचाई। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।